Hello students, welcome to today's online class. Today we are taking the topic of settlements. Settlement and types. In today's class we will see what is a settlement, what are the types of settlement, what is a site, and what are the conditions responsible for an ideal site, for choosing an ideal site. These are the subtopics we are covering today. The first thing is, what is a settlement? So पहली चीज settlement होता क्या है? ठीक है? Settlement का बहुत simple सी एक definition है, a place where a person builds his home, जहाँ पर कोई व्यक्ति अपना घर बनाता है, उसे कहते हैं settlement. ठीक है? दुनिया में इतने सारे प्राणी हैं, सबका अपना अपना settlement होता है. ठीक है? इसी तरह से हमारा भी एक settlement होता है, which is called our home. So we can define it in very few words. Settlement is a place where a person builds his home. वो जगह जहां पर कोई व्यक्ति रहने के लिए घर बनाता है, उसे हम कहते हैं सेटलमेंट. दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट. नाउ इन टुडे वी विल टेक इन टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, वी विल टेक ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. देखिए, एक सेटलमेंट तो वो होता है जिसमें व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक रहता है, फॉर अ लॉन्ग टाइम ही लिव्स इन अ सेटलमेंट. एक सेटलमेंट वो होता है जिसमें वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, जिससे उसको पता होता है कि मुझे यहाँ से जाना है. पर्सन नोज दैट ही हैज टू मूव टू सम अदर प्लेस. Settlement. That is called a temporary settlement. Suppose we go to another city, we have to stay there for suppose a night or two nights. So we take a hotel. हम एक होटल लेते हैं, वो हमारे लिए एक टेम्परेरी सेटलमेंट हो गया. ठीक है? हम कहीं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं, वी जस्ट मेक अ टेंट्स, वी हम टेंट बना लेते हैं अपने लिए रहने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए. देन दीज आर टेम्परेरी सेटलमेंट्स. ये टेम्परेरी सेटलमेंट होते हैं. अभी चमोली में बाढ़ आई है, तो आपको पता है जो लोग वहाँ से, दोज पीपल हु वर रिहैबिलिटेटेड फ्रॉम दोज प्लेसेस, जो जिनको रिहैबिलिटेट किया गया, दूसरी जगह रखा गया है, उनको वहाँ पे देवर इन टेम्प्रेरी एकोमोडेशन बनाई जाती है उनके लिए. तो इसको हम कहते हैं टेम्प्रेरी हाउस. ठीक है? या टेम्प्रेरी सेटलमेंट वो प्लेसेस जहाँ पे आदमी परमानेंटली रहता है, जैसे अवर होम. सो वी लिव हियर परमानेंटली, सो इट इज कॉल्ड अ परमानेंट सेटलमेंट. तो लेट्स सी स्मॉल डेफिनेशंस ऑफ टेम्प्रेरी एंड परमानेंट सेटलमेंट. Temporary settlement इसके लिए आप कह सकते हैं, a place where a person stays or lives for a very short span of time, short period of time. A settlement, or you rather call it a place, इसको place बोल दीजिए तो confusion हट जाएगा settlement का. A place where a person lives for a short period of time. A place where a person lives for a short period of time is called a temporary settlement. इसका बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अपोजिट, परमानेंट सेटलमेंट. A place where a person lives for a long period of time, long period of time,
or you can call it settles permanently, long period of time or permanently, is called a permanent settlement. Now, this is the broad classification of settlements: temporary settlement and permanent settlement. These are the types of settlement. Now, there are according to the accommodation of houses or according to the use of the place, we can classify the houses or the accommodations or the settlements as compact settlement, scattered settlement. This is a different type of classification, but broad classification is temporary and permanent settlement. Now, the next thing is, what is a site? साइट क्या होती है? देखिए, साइट वो जगह होती है, आपने सुना होगा ये कॉन्ट्रैक्टर्स के मुंह से और बिल्डर्स के मुंह से सुना होगा कि हमारी साइट पे काम चल रहा है, ठीक है ना? आपने देखा होगा, आपने सुनी होगी ये चीज़ कि कॉन्ट्रैक्टर से ये तो हमारी इस साइट पे काम चल रहा है, हमारी उस साइट पे काम चल रहा है. तो साइट इज अ प्लेस वेयर द बिल्डिंग्स आर मेड, ठीक है? सेटलमेंट्स आर डेवलप्ड, जहाँ पे सेटलमेंट डेवलप होते हैं और बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं साइट. What is the site? A place where settlements and buildings are developed. जहां पर बिल्डिंग्स और सेटलमेंट को डेवलप किया जाता है, ऐसी जगह को हम कहते हैं साइट. आपने पढ़ा होगा कि द एंशियंट सिविलाइजेशंस दे वर डेवलप्ड इन द साइट्स वेयर वेयर देवर रिवर्स, जहां पे पानी उपलब्ध था, जहां पे लैंड फर्टाइल थी. इन दिस दोस प्लेसेस वर कॉल्ड द साइट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस, ठीक है? उनको भी हम साइट कहते हैं. तो साइट वो जगह होती है जहां पर कोई सेटलमेंट, कोई आजकल के जमाने में तो बिल्डिंग कहेंगे, बिल्डिंग्स डेवलप की जाती हैं, तो उसको साइट कहते हैं, ठीक है? नाउ व्हाट आर द कंडीशंस? देखिए, सब जगह साइट नहीं होती, ठीक है? अर्लियर टाइम्स में भी सब जगह साइट नहीं थी. तो सब जगह साइट नहीं होती का मतलब कुछ ऐसी कंडीशन, देर आर सर्टेन कंडीशन दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एन आइडियल साइट. वो कौन सी कंडीशन होती है? देखिए, प्राचीन सभ्यताएं अगर हम देखें, इनसे हमारे एंशियंट सिविलाइजेशंस दे वर डेवलप्ड एट प्लेसेस वेयर वाटर वॉज अवेलेबल, जहाँ पे पानी उपलब्ध. आज की डेट में भी ऐसी जगह है जहाँ पे पानी उपलब्ध है, पानी अवेलेबल है, ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा सेटलमेंट्स होता है, ठीक है? सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस, सेटलमेंट्स आर द आइडियल प्लेसेस वेयर वाटर इज अवेलेबल. जहाँ पे वाटर अवेलेबल होता है, वहाँ पे आइडियल प्लेसेस होती है सेटलमेंट के लिए. उसके अलावा लैंड फर्टाइल होना चाहिए. लैंड अगर फर्टाइल नहीं है तो वहाँ पर पॉपुलेशन कम होती है. जैसे रेगिस्तान में अगर कहीं पर पानी मिलता भी है तो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती, बिकॉज यू कैन नॉट ग्रो एनीथिंग, आप वहाँ पे कुछ ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है ना? उसके अलावा आपका टेरेन जो होता है, टेरेन से मतलब है जैसे आपका स्टीप स्लोप्स ना हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा अनइवन लैंड ना हो. ऐसी जगहों पे क्या होता है, ऐसी जगहों पे आपकी साइट जो होती है सेटलमेंट की, वो बहुत सुटेबल होती है, ठीक है? तो कंडीशंस दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आइडियल साइट आर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, इट इज क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशन एडवर्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है? लेट्स राइट द कंडीशंस. कंडीशंस रेस्पॉन्सिबल फॉर एन आइडियल साइट एन आइडियल साइट आर वाटर, और वी कैन कॉल इट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेटिक कंडीशन फर्टाइल लैंड
सुटेबल टेरेन। देखिए इसमें वाटर की अवेलेबिलिटी मैंने आपको बता दी, क्लाइमेटिक कंडीशन आपको बता दी कि कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन, द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर टू एडवर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जैसे सारा रेगिस्तान में बीच में कोई नहीं रहता, सेटलमेंट्स हैं लेकिन इस तरह के नहीं है जैसे शहरों में होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फर्टाइल लैंड, वेदर लैंड इज नॉट फर्टाइल इन दोज प्लेसेस द सेटलमेंट इज नॉट देयर, बट एट द प्लेसेज वेयर द लैंड आर फर्टाइल यू कैन सी द पॉपुलेशन इज वेरी हाई। और उसके अलावा सुटेबल टेरेन, इस बहुत ज़्यादा आपका अनइवन लैंड नहीं होना चाहिए, स्टीप स्लोप्स में कोई नहीं बसता, बहुत ज़्यादा अनइवन लैंड जो होता है उसको कोई नहीं बसता, क्योंकि प्लेन लैंड पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। सो इन टूडेज टॉपिक वी हैव कवर्ड फोर सब टॉपिक्स, वन इज सेटलमेंट, वन इज टाइप ऑफ सेटलमेंट्स, नेक्स्ट इज साइट एंड द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडियल साइट। थैंक यू फॉर टूडे।